हेलो गाइज, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सस्टेन एसआर 300 टैबलेट के बारे में। तो गाइज, इससे पहले मैंने सस्टेन एसआर 200 टैबलेट के बारे में भी रिव्यू दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, डोजेज एंड इस टैबलेट के सब्सटीट्यूट्स के बारे में। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, हमारा एक दूसरा भी चैनल है, अगर कार से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो प्लीज एक बार जाके विजिट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहां पर भी अपना ज्यादा ज्यादा प्यार दिखाना। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 टैबलेट्स का प्राइस 530 रुपीज़ है। सस्टेन एसआर 200 सन फार्मा लेबोरेटरीज का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन 300 mg होता है। तो गाइस, जल्दी से अभी इसे ओपन करके देख लेते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमें 10 टैबलेट्स मिलती हैं वाइट कलर में। और गाइस, ये प्रोजेस्टेरोन वुमेन में पाया जाने वाला एक हार्मोन्स होता है, जो अगर किसी वुमेन्स में प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है तो यह उसके मासिक धर्म की इरेगुलरिटी और प्रेगनेंसी को बनाए रखने में परेशानी का कारण बन सकता है। यह यूट्रस की परत को मोटा होने से रोककर यूट्रस कैंसर के ग्रोथ के रिस्क को भी कम कर देता है। यह यूट्रस की परत को अफेक्ट कर कंसीव करने में भी हेल्प करता है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं? गाइज, इस टैबलेट को आप मासिक धर्म के ना आने की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि पीरियड्स, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया मतलब कि यूट्रस की परत हद से ज्यादा मोटी हो जाती है तो इस वजह से यूट्रस में कैंसर के कारण बन सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम में भी आप इस टैबलेट का इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हार्मोन्स डिसबैलेंस की प्रॉब्लम में, इन सब प्रॉब्लम्स में आप इस टैबलेट को इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इस टैबलेट का यूज़ हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में ज़्यादा किया जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? इस टैबलेट को यूज़ करने से आपको बैक पेन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में। तो इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वुमेंस इस टैबलेट को दिन में 1 से 2 बार कुछ खाने के बाद डॉक्टर की सलाह अनुसार इजीली ले सकते हैं। इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह ना लें, क्योंकि पहले डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन देखेगा फिर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करेगा। और इस टैबलेट को बच्चों से दूर रखें। अगर आपको इस टैबलेट से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइज, अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। तो इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए? जैसे कि अगर आपको एडिमा हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पोरफायरिया की प्रॉब्लम हो, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सोल्ट से एलर्जी होना, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इस टैबलेट को ना लें। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर इस टैबलेट को यूज़ करें। तो गाइज, अगर आपको इस टैबलेट से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। तो गाइज, ये था इस सस्टेन एसआर 300 टैबलेट के बारे में। टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।